सो फ्रेंड, आज है हमारे पास कैमरा रिव्यू के लिए सैमसंग गैलेक्सी M01। आज इस डिवाइस का करने वाला हूँ मैं कैमरा टेस्ट। इस डिवाइस में आप लोग को बैक में मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में आप लोग को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इन दोनों ही कैमरे से मैं बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक करने वाला हूँ और वीडियो भी शूट करने वाला हूँ, और सारी चीज़ों को आप लोग को एक पैकेज बना के देने वाला हूँ, जिससे आप लोग को बेहतर आइडिया लग जाएगा कि इस डिवाइस का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस का कैमरा टेस्ट। सो फ्रेंड, अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 के फ्रंट कैमरे से। यहाँ पे आप लोग को 5 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। मैं आ गया हूँ आउटडोर की तरफ ताकि मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊँ कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बदली छाई हुई है, हल्की हल्की बारिश हो भी रही है अभी, और शाम के लगभग 4:30 बजे हुए हैं। चलिए मैं आप लोग को एक राउंड करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को बेहतर आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो को शूट करते समय किसी भी गिम्बल या किसी भी ट्राइपॉड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने इस डिवाइस को अपने हैंड में होल्ड करके रखा हुआ है। इससे आप लोग को बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना स्टेबल वीडियो होने वाला है। चलिए मैं आप लोग को एक बार राउंड करके भी दिखा दूं चारों तरफ। ये देखिए, अभी तक तो यहाँ पर कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है रिकॉर्ड करते समय। आप पीछे देख भी सकते हैं काफ़ी बारिश हुई है, तो पानी भरा हुआ है, और इसने मेरे फेस को यहाँ पर अच्छे से फोकस करके रखा हुआ है। लाइटिंग कंडीशन जब अच्छी होती है तो आपका फेस भी क्लियर हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन कम हो जाती है, और जब मैं कुछ इस तरीके से इसे टर्न करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई मेरे फेस में, और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर शूट कर पा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे फ्रंट कैमरे में कोई भी दिक्कत अभी नज़र नहीं आ रही है, और वीडियो ठीक ठाक यहाँ पर शूट हो रहा है। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा तेज़ वॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो आप लोग को और बेहतर आइडिया लग जाएगा कि ये कितना स्टेबल होने वाला है। वैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो इस डिवाइस के इनबिल्ट माइक्रोफोन से हो रही है, तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा इसका माइक्रोफोन कितना पावरफुल होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैक कैमरे की तरफ और उसका भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 के बैक कैमरे से। यहाँ पे आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ फोकस करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वॉच को, इसे अगर मैं फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इसे काफ़ी अच्छे से फोकस कर लिया है, और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर शाम के 4:49 हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बैक साइड हम लोग फोकस कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं, और यहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन है वो काफ़ी कम हो चुकी है। फिर भी आप लोग को बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये डिवाइस कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। चलिए मैं आप लोग को वॉक करके भी दिखा दूँ, जिससे आप लोग को और आइडिया लग जाएगा कि कितना स्टेबल होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि यहाँ पर मैं किसी भी गिम्बल की या फिर ट्राइपॉड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग को बेहतर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस डिवाइस से वीडियो शूट करते हैं तो आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर फोकस में तो मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका फोकस काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। पीछे आप ब्लर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। चलिए बिल्डिंग की तरफ एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट वॉक करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को और बेहतर आइडिया लग जाएगा कि ये कितना स्टेबल होने वाला है। मैं आप लोग को चारों तरफ एक बार राउंड करके भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार रास्ते की तरफ भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, चलिए नीचे की तरफ हम आते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर फोकस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इस पत्थर को काफ़ी अच्छे से फोकस कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसने इस पौधे को भी फोकस कर लिया है। कुछ और चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका फोकस तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटा सा छोटा फूल भी यहाँ पर ये अच्छे से फोकस कर पा रहा है। ये देखिए, फोकस में तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है इस डिवाइस में। तो 13 मेगापिक्सल के हिसाब से इसका कैमरा मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर लाइटिंग कंडीशन यहाँ पर अच्छी होती तो वीडियो और अच्छा बन सकता था। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अभी कंटिन्यू 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही बारिश यहाँ पर रुकी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ ग्राउंड पर। ये देखिए, तो यहाँ पर मुझे कोई भी इशू नहीं लग रहा है। मैंने इस डिवाइस से बहुत सारे फोटोज़ भी क्लिक किए हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए, जिससे आप लोग को बेहतर आइडिया लग जाएगा कि इस डिवाइस का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है।
सो फ्रेंड, अब तक तो आपने सारे फोटोज़ देख लिए होंगे, सारे वीडियोस देख लिए होंगे जो मैंने इस डिवाइस से शूट किए हैं। आप लोग को बेहतर आइडिया लग गया होगा कि ये डिवाइस कैमरा परफॉर्मेंस में कैसा होने वाला है। चलिए मैं आप लोग को अपना ओपिनियन भी बता देता हूँ। तो मुझे इस डिवाइस का जो कैमरा परफॉर्मेंस है, चाहे मैं बात करूँ बैक कैमरे की या फ्रंट कैमरे की, कंप्लीटली एवरेज लगा है। जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियोज़ और फोटोज़ में, मुझे ज़्यादा ना अच्छे लगे हैं ना ज़्यादा बुरे लगे हैं, कंप्लीट ये मुझे एवरेज लगा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।